गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। आज हम लोग साइंस में, हमारा आज का टॉपिक है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर मीन्स पानी की शुद्धता। ठीक है, हम लोग पानी जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है। ठीक है, बिना पानी के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको पानी की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो जानवर हो, चाहे प्लांट्स हों और चाहे हम लोग खुद हों। ठीक है, पानी हम लोग पीते हैं और साथ में हम जितना भी काम करते हैं, नहाने का, कपड़े धोने का, बर्तन साफ़ करने का, सारा काम हमारा किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा होता है। इसी तरह से जो एनिमल्स हैं उनको भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। वो भी जो है, कुछ एनिमल्स जो हैं वो तो रहते ही पानी में हैं। ठीक है, जिनको हम लोग वाटर एनिमल्स कहते हैं, और अदर एनिमल्स को भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। इसी तरीके से प्लांट्स को भी, ग्रो होने के लिए अगर आप देखिए, प्लांट्स को थोड़े दिन पानी ना दें तो पौधा कैसा हो जाएगा? वो भी सूख जाता है। ठीक है, उसको भी पानी की ज़रूरत होती है, वो भी पानी पीते हैं, क्योंकि वो भी जो है, वो भी इन्हीं सब, उनको भी पानी और धूप, हवा, सब चाहिए उनको भी ग्रो होने के लिए। अगर आप एक रूम के अंदर देखें, किसी पेड़ को रख दें, बिल्कुल उसको कहीं से कोई लाइट नहीं मिले, कोई वाटर ना मिले, ना उसे कहीं से कोई एयर नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? वो भी जो है वो मुरझा जाएगा। इसी तरीके से हम लोग हैं, लिविंग बींग्स भी हैं। ठीक, अगर तीन दो एक सारा दिन हम पानी नहीं पीते तो हमारे अंदर भी पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। पानी तो हमें, जो हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो बहुत जगह से मिलते हैं। ठीक है, नहरों से, नदियों से, ठीक, समुद्र से, कुओं से, और या फिर नलकूप से, मतलब बहुत जगह से हमको पानी जो है मिलता है। वाटर सप्लाई का पानी आजकल आ रहा है घरों में, पहले लोग कुओं से पानी भरते थे। ठीक, बहुत सारा पानी जो है हमारा, जो बहुत पानी है वो पीने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके जो है रिस्पॉन्सिबल हम लोग खुद हैं। कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं? आपने देखा होगा, जब आप नहर के पास या नदियों के पास, आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, वहीं पर अपने जानवरों को नहलाना, वहीं पर कपड़े धोना और वहीं पर नहाना। इससे क्या होता है? इससे पानी गंदा होता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि हम लोग देख रहे हैं हैंडपम्प के पास ही जो है, वहीं पे लोग पानी भर रहे हैं और कुछ लोग वहीं पे क्या करते हैं, नहाते हैं और कपड़े धोने लग जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे पानी गंदा होता है। जो नहरों और नदियों का पानी हो, तो आप देखते, मोस्टली आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है वो अपने जानवरों को लेकर वहीं पर नहला रहे हैं, और इस तरीके से हमारा पानी जो है वो दूषित हो रहा है। एक तो ये रीज़न है हमारे पानी जो गंदा होने का। बाकी फैक्ट्रीज का जितना भी वेस्ट है, ठीक है, जितना भी वेस्ट है वो रिलीज़ हो रहा है, और वो रिलीज़ होकर के कहाँ जा रहा है? नदियों में जा रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारे लॉज वगैरह बनाए हैं कि इस तरीके से इनको पानी को गंदा नहीं करना है, और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड रूल्स भी हैं, बट कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है। अभी भी काफ़ी हद तक जो है लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी भी पानी गंदा हो रहा है। लोग जो भी कचरा, जो भी घर का कूड़ा करकट है, वो क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पानी गंदा होता है। और बड़ी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, उनका जितना है वो सीधा, वो लोग क्या करते हैं, उनका जितना भी वेस्ट होता है वो सारा नदियों में चला जाता है। नदियों में जाता है तो उससे, उसमें केमिकल्स है, गंदा ऑयल है, और आपकी कूड़ा करकट है, सारी चीज़ें जाती हैं, जिससे हमारा पानी गंदा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। भारत में, वैसे भी इंडिया में जो पानी पीने वाला है उसकी कमी बहुत ज़्यादा है। कुछ जगहों पर तो लोग जो है पानी खरीद कर ही पीते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी इतना गंदा है। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इस पानी को हम साफ किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको साफ करने के जो तरीके हैं वो है, आपका एक है डिहाइड्रेशन और एक है सेडिमेंटेशन। ठीक है, दो तरीकों से आप पानी जो है वो अपना प्योरीफाई कर सकते हैं। पानी देखिए, हम इस तरीके से भी पानी हमारा प्योरीफाई होता है। आपने देखा होगा कभी कभी, जब आप एक ट्रांसपेरेंट जार लीजिए और उसमें आप देखेंगे, जब हम पानी भरते हैं, कोई मान लीजिए ये ही जार है हमारा, तो मान लीजिए ये हमारा एक जार है, ठीक,
ठीक है, या ग्लास ले लीजिए, ग्लास है कुछ भी है। तो हमने देखा जब पानी भरा जाता है, जब हम उसमें पानी डालते हैं तो हम देखते हैं पानी तो ऊपर रह गया है हमारा, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो नीचे नीचे बैठी हुई होती हैं। आप देखते हैं इस तरीके से पानी भी गंदा होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर जब पानी आप एकदम से पानी जब भरते हैं तो एकदम से उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको डिसॉल्व होती हुई नज़र आती हैं, तो जब वो बैठ जाती हैं तो हम उसको क्या करते हैं, ऊपर का पानी जो है वो एक दूसरे जो है हम बर्तन में कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा ये वाला जो दूषित पानी है, जो ये हमारा ये गंदा पानी पॉल्यूट वाटर है, ये हमारा जो है ये दूसरी जगह ना जाए, और इसको हम लोग क्या करते हैं दूसरे बर्तन में कर लेते हैं, दूसरी किसी चीज़ में कर लेते हैं, जिससे बकेट में या ग्लास में कर लिया या किसी भी चीज़ में कर लिया, जिससे ये हमारा साफ पानी निकल आए। तो इस तरीके से होता है, ठीक। एक ऐसे भी कर लेते हैं कि आप किसी भी जार या किसी भी आप पॉट पर जो है एक पतला कपड़ा रख करके, ठीक, तो उसमें हम लोग छान लेते हैं, छान करके क्या करते हैं पानी जो है हमारा साफ जो है वो नीचे चला जाता है, और जो जितना भी ऊपर की जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जो है सारे ऊपर आ जाते हैं। इस तरीके से पानी को भी जो है प्योरीफाई किया जा सकता है। और भी बहुत से तरीके हैं, आपको मालूम है आजकल लोगों ने घरों में फिल्टर लगा रखे हैं, फिल्टर से हो सकता है, ठीक है, फिल्टर से भी पानी जो है वो साफ हमको मिलता है और हम पी सकते हैं पानी, हमारा जो पीने योग्य पानी है उसको कैसे हम लोग साफ करते हैं प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमारा जो है वो बॉइलिंग के द्वारा भी आपको मालूम है, तो पानी को गर्म करके रखा जाए और खूब अच्छे से गर्म कर लेते हैं और ठंडा करके फिर पिया जाए, वो भी जो है उसमें भी जो है जो हमारे जर्म्स वगैरह होते हैं वो सारे मर जाते हैं और पानी जो है हम पीने योग्य कर सकते हैं, पी सकते हैं उसको, ठीक। और देखिए उसमें आपका बॉइलिंग हो गया, पोटेशियम प्रेगनेंट्स हो गया, इस तरीके से हम उसमें पानी में आपने देखा होगा कभी कभी पानी में हल्की सी स्मेल आती है, तो दवाई वगैरह डाल दी जाती है, जिससे क्या होता है जिससे पानी जो है उसमें जितने भी कोई जो डर्टी जर्म्स हैं वो सारे मर जाते हैं और पानी जो है पीने योग्य हो जाता है। और हमको पानी को जो इस तरीके से कई मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम फिल्टर करके बॉइलिंग करके और आपका ये उसमें डाल करके उसमें दवाई डाल के पानी में, तो उसको पानी को हम लोग पीने योग्य बना सकते हैं। पानी को हमको अपना बचाना भी है, कैसे बचाना है, फालतू में आपके टैप घर में चल रहा है और उसमें पानी जो है बह रहा है, तो हमें फालतू में उसको फौरन बंद करना है। मान लीजिए कहीं से कोई टैप लीकेज है तो उस लीकेज को सही करवाना है, ठीक। मान लीजिए हमें एक बाल्टी की ज़रूरत है या एक बकेट हमको पानी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसकी जगह तीन बकेट जो है वो पानी भर करके फालतू में गिरा रहे हैं, ये सब हमें नहीं करना है, पानी को सेव करना है, क्योंकि आने वाले समय में पानी जो है वो बहुत मुश्किल से जो है पीने वाला पानी हमको मिल पाएगा, इसलिए अगर आज हम उसको केयर से यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में हम लोग जो है पानी हमको अच्छा मिल सकता है पीने योग्य, ठीक है। तो चैप्टर समझ में आया आपको कि प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या है, हमको कैसे वाटर जो है साफ करना है, किस तरीके से हम फिल्टर करेंगे और पानी का जो है दुरुपयोग नहीं करेंगे, और पानी को हमेशा जो है संभाल के रखना है किसी भी तरीके से। कई बार देखा गया है कि जो टंकीज घर की होती है वो ओवरफ्लो होने लगती है, घर वाले जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और पानी जो है फ्लो हो करके बहता है, बल्कि सड़कों तक आ जाता है पानी। तो इस तरीके से जितनी भी हमको ये हैं प्रिकॉशंस हैं पानी को सेव करने के, वो हमको फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।